सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 100 बैग ओस्टर मशरूम बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा और उसमें कितना प्रॉफिट होगा इसकी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आपको 1000 बैग बनाने में कितना खर्चा आएगा और उसमें कितना आपको प्रॉफिट होगा इसका पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर 100 बैग आप ओस्टर मशरूम का बनाते हैं तो इसके लिए जगह आपको 10x10 का चाहिए होगा, सफिशियंट होगा 100 बैग के लिए 10x10 का जगह। उसके बाद अब इसमें खर्चे कितने आएंगे वो देख लीजिए। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने सारी चीजें नोट कर रखा है। तो 100 बैग ओस्टर मशरूम बनाने के लिए 100 किलो आपको भूसा चाहिए होगा। भूसे का रेट जो मैंने लिया है 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से लिया है। जो रेट मैंने इसमें लिया है हर एक चीज का, वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है लोकेशन के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, क्योंकि रेट जो मैंने लिया है वो एक स्टैंडर्ड रेट लिया है, एक एवरेज रेट लिया है। हो सकता है कहीं भूसे का रेट 6 रुपए प्रति केजी से भी सस्ता हो सकता है कहीं 7 रुपए प्रति केजी हो, तो एक एवरेज रेट हमने 6 रुपए प्रति केजी लिया है। तो 100 किलो भूसे का रेट हो जाएगा 600 रुपया। 10 किलो इसके लिए स्पॉन्ज चाहिए होगा, जो मशरूम का बीज चाहिए होगा 100 किलो भूसे के लिए आपको 10 किलो बीज चाहिए होगा, क्योंकि 1 किलो भूसे में आपको 100 ग्राम जो है मशरूम का बीज डालना होता है। एवरेज रेट इसका हमने 120 रुपये प्रति केजी लिया है। सरकारी संस्थाओं में आपको 70-80 रुपये केजी मशरूम का बीज मिल जाता है, प्राइवेट संस्थाओं में 100 रुपये केजी से लेकर के 130 रुपये केजी 150 रुपये केजी तक मिलता है। तो एवरेज रेट हमने 120 रुपये प्रति केजी लिया है। तो 10 किलो मशरूम का स्पॉन अगर लेंगे आप तो 1200 रुपये हो जाएगा। 100 किलो भूसा जो लेंगे आपको, उसमें 100 बैग बनाने होंगे तो 100 पॉलीथीन बैग चाहिए होगा, 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 200 रुपये पॉलीथीन बैग का आपका चार्ज होगा। और जब आप घर में इसको इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, चाहे रैकिंग सिस्टम हो चाहे हैंगिंग सिस्टम आप बनाएं, उसके लिए आपको बांस और रस्सी की जरूरत पड़ेगी। बांस और रस्सी वैसे नॉर्मली आपको 1500 के आसपास पड़ सकता है, लेकिन हमने इसमें 300 रुपये लिया है, क्योंकि बांस और रस्सी जो आप लेकर के स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो ऐसा नहीं कि एक बार तैयार कर देंगे तो उसको दोबारा जो है आप निकाल कर फेंक देंगे, पूरे साल वो चलेगा। पूरे साल चलेगा तो आप साल में 5 बार मशरूम की फसल लेंगे, तो 5 बार मशरूम की फसल लेंगे तो 5ों बार इसका खर्चा जोड़ा जाएगा। तो एक बार अभी पहली फसल के लिए ले रहे हैं तो हमको उसको 5 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 300 रुपया एवरेज में हमने प्राइस ले लिया है। तो बांस और रस्सी का खर्चा हमने 100 बैग के लिए 300 रुपये ले लिया। और फॉर्मेलिन बावेस्टीन जो मेडिसिन वगैरह यूज करेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए आपको भूसे का, उसका आपका चार्ज जो होगा 500 रुपये लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपकी होगी 2 महीने के लिए, क्योंकि जब पिनहेड निकल आता है उसके बाद आपको लाइट देना होता है मशरूम में, 45 दिन के अंदर आपकी क्रॉप पूरी हो जाती है, फसल पूरी आ जाती है, तो 45 दिनों में जो चार्ज आएगा तो इसको हमने 2 महीने ले लिया है कि 2 महीने में अगर आप एक LED बल्ब लगाते हैं 9 वाट का तो 200 रुपये इसका चार्ज ले लिया। 200 वैसे ज्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि एक LED बल्ब 200 रुपये 45 दिन में जो है चार्ज नहीं कर सकता है, फिर भी हमने एक एवरेज रेट 200 रुपये ले लिया है। 10x10 के कमरे में सिर्फ एक बल्ब की जरूरत पड़ेगी आपको, LED बल्ब 9 वाट का जो सफिशियंट होगा। ट्रांसपोर्ट और पैकिंग पॉलीथीन का चार्ज कितना होगा, अब जहां से आप मशरूम का बीज लाएंगे वहां के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है, या जो मशरूम आपका तैयार होगा उसे पैक करके बेचने के लिए पॉलीथीन भी चाहिए होगा, छोटे छोटे जो 200 ग्राम के पैकेट होते हैं, तो इसके लिए हमने 500 रुपये अलग से ले लिया है। टोटल जोड़ करके ये 3500 रुपये होता है, यानी टोटल खर्चा जो आएगा 100 बैग के लिए ओस्टर मशरूम का जो बैग आप बनाएंगे, 100 बैग का खर्चा टोटल होता है 3500 रुपये, और अगर इसे 100 से डिवाइड कर दें तो एक बैग का खर्चा आ जाता है 35 रुपया, यानी एक बैग का खर्चा 35 रुपये आ जाएगा। ये आप इमेज पे देखते रहिए, आप इसे कैलकुलेशन में अपने नोट कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे आएगा। 100 बैग का जो प्रॉफिट होगा ओस्टर मशरूम का, उसमें सबसे पहले क्रॉप का ड्यूरेशन कितना होगा, फसल कितने दिनों में आ जाएगी, 45 दिन के अंदर पूरी फसल आपकी आ जाएगी, यानी आपका 15-20 दिन तक आपका माइसिलियम रन करने में लगता है, तो हमने एवरेज में मान लिया कि एक फसल आपका 2 महीने में रेडी हो जाएगा। तो एवरेज पर बैग मशरूम जो आएगा आपका, एक बैग से वैसे एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप 100 ग्राम बीज डालते हैं तो 1 से 1.5 किलो जो है मशरूम आता है, हमने 1 किलो मशरूम एक बैग के हिसाब से एवरेज लिया है। तो एवरेज पर बैग मशरूम अगर 1 किलो होता है तो 100 बैग के लिए आपको 100 किलो मशरूम आ जाएगा। एवरेज मार्केट प्राइस अगर हम 100 रुपये लें, वैसे जो मार्केट प्राइस थोक रेट है अभी ओस्टर का 80 रुपये केजी तक जा रहा है,
और अगर इसे आप जो है रिटेल प्राइस पे बेचें तो 200 ग्राम का जो पैकेट बिकता है 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए पैकेट बिकता है, तो करीब 250 के आसपास जाता है इसका रेट। जैसे मैं गुड़गांव की बात करूं हरियाणा की, तो यहाँ 50 रुपए पैकेट बिकता है 200 ग्राम का पैकेट। आसाम की बात करूं तो वहां पर भी हमारे कुछ मित्रगण हैं, तो उनसे बात करने पर भी पता चलता है कि 200 से 250 रुपए केजी बिक रहा है मशरूम। तो एक एवरेज प्राइस हमने 100 रुपए केजी इसलिए रखा है कि ये हो सकता है किसी लोकेशन पे सस्ता बिक रहा हो, कहीं महंगा बिक रहा हो, तो सिर्फ 100 रुपए प्रति केजी के हिसाब से लें तो 10,000 का जो है आपका मशरूम बिकेगा, 100 केजी जो मशरूम आपका आएगा। तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 टोटल आपका बिक्री हुआ है, तो 3500 इसमें से जो खर्चा आया था माइनस कर देंगे तो 6500 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट 6500 रुपए होगा 100 किलो अगर आप भूसा लेते हैं और 100 बैग तैयार करते हैं तो, और जो पर बैग प्रॉफिट होगा वो 65 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 100 बैग का जो प्रॉफिट हुआ 6500 हुआ, तो एक बैग का आपका 65 रुपए हुआ, यानी एक बैग पे खर्चा आपका कितना आया है 35 रुपया, और एक बैग का जो प्रॉफिट आ रहा है 65 रुपए आ रहा है। इसी तरह से अगर हम 1000 बैग का उदाहरण लें, ओस्टर मशरूम के 1000 बैग का उदाहरण लेंगे तो कितना प्रॉफिट या कितना आपका जो है खर्चा आता है, टोटल एक्सपेंस कैसे होगा आपका 1000 में 35 से आप गुणा करेंगे, क्योंकि एक बैग का खर्चा 35 रुपए है, तो 1000 बैग का आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 1000 × 35, तो 35,000 रुपए आपका खर्चा होगा टोटल 1000 बैग के लिए। और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो एक बैग का प्रॉफिट आपका 65 रुपए है, तो 1000 × 65 कर देंगे आप, तो 65,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और 65,000 कितने दिनों में आएगा, ये 2 महीने के अंदर आएगा, क्योंकि फसल आपकी पूरी 2 महीने में खत्म होती है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का आपका इनकम कितना हो जाएगा, 32,500। आप देखिए इमेज में भी देख पा रहे होंगे पूरा लिखा हुआ है, तो पर मंथ इनकम कितना हुआ आपका 32,500। अब आप कैलकुलेशन करिए कि कोई व्यक्ति जो बेरोजगार बैठा हुआ है अगर मशरूम की खेती करे और 35,000 सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे तो उसको 32,500 रुपया महीना का कमाई हो सकता है। वैसे आपको एक चीज और बता दूं, 32,500 जो मैंने आपको बताया है ये कैलकुलेशन हाईएस्ट रेट पे है, क्योंकि इतना खर्चा आता नहीं है जो मैंने आपको बताया है। एक बैग का खर्चा 35 रुपए नहीं आता है, एवरेज खर्चा 15 से 20 रुपए आता है बस, मैक्सिमम खर्चा। और जितने ज्यादा मात्रा में आप मशरूम उगाते हैं, जितने ज्यादा मात्रा में आप मशरूम का बैग तैयार करते हैं, खर्चा आपका उतने कम होता चला जाता है। तो एवरेज हमने लिया है 35 रुपए का, तब आपको 32,500 रुपया महीने का इनकम हो रहा है सिर्फ 35,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। अगर आप इसी को जो है 15 से 20 रुपए का खर्चा मान लें तो आपकी इनकम सोचिए कितनी हो जाएगी। अगर 20 रुपए भी आपका पर बैग खर्चा हुआ तो आपका 80 रुपए प्रॉफिट होगा, यानी आपका 1000 बैग पे आपका 20,000 का खर्चा और 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, महीने का आपका इनकम हो जाएगा 40,000। ये एवरेज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चूंकि लोकेशन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से ये जो है वैरी कर सकता है रेट। जो मैंने रेट लिया है ये एक अनुमानित रेट लिया है, एक एवरेज प्राइस लिया है कि कहीं पे ज्यादा हो सकता है कहीं पे कम हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि आप सामान वहां से लें जहां आपको रेट उचित मिले। जैसे सरकारी संस्थाओं से अगर आप मशरूम का बीज लेते हैं तो आपको 70 से 80 रुपए के जी मशरूम का बीज मिलेगा, यहाँ पर हमने आपको 120 रुपए प्रति के जी के हिसाब से एवरेज लिया है, तो आपका मशरूम के बीज में काफी बचत हो जाएगी। जो आप फॉर्मलिन या बावस्टीन लेंगे स्टरलाइजेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसे भी अगर आप अच्छी जगह से लेंगे, किसी अच्छी संस्था से लेंगे, तो वो भी सस्ता पड़ जाएगा। इसी तरह से आप जो भूसा है अगर ग्रामीण क्षेत्रों से लेते हैं, आप जहां पर गेहूं बोया जाता है, गेहूं की फसल उगाई जाती है, वहां आपको भूसा काफी सस्ता पड़ जाएगा। और सिर्फ भूसे पे ही नहीं, ये धान का जो पारा होता है उसकी कटिंग करके उस पर भी उगाया जा सकता है और बहुत अच्छी फसल होती है। तो जो आपको सस्ता पड़ता है आपके लोकेशन के हिसाब से, इसमें आप रेट की कटिंग कर सकते हैं और आपको जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक एवरेज प्राइस हमने 35 रुपए ले रखा है, लेकिन आपको इससे ज्यादा ही प्रॉफिट होता है। और ये जो प्राइस हमने लिया है, अप्रैल 2020 अभी चल रहा है तो इसके हिसाब से लिया हुआ है, तो आप आने वाले दिनों में हो सकता है इसका रेट प्लस माइनस हो, लेकिन जैसे प्लस माइनस होगा उसी तरह से मशरूम के रेट में भी प्लस माइनस होगा, तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है मशरूम की खेती अगर करने के लिए सोच रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट है। आप जो है इसे कहीं भी किसी भी एक्सपर्ट से बात करके देखिए, इससे कम खर्चा बताएंगे लोग, इससे ज्यादा कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि इससे खर्चा कम ही आता है।
मैंने इसलिए स्टैंडर्ड रेट ले लिया है ताकि आपको कहीं नुकसान ना हो और आपको जो है मिनिमम जो प्रॉफिट है 32,500 का बिल्कुल होगा ही होगा। तो इस प्रॉफिट को अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है मशरूम की खेती कीजिए और कोशिश करिए कि उसको रिटेल प्राइस में बेचिए, और इसके साथ ही जो है मशरूम के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको मशरूम के प्रोडक्ट बना करके उससे भी ज्यादा इनकम हो सके। क्योंकि मशरूम का जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी इनकम जो है डबल हो जाती है। अगर आप 32,500 रिटेल प्राइस पे मशरूम बेच रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो दो तीन गुना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करें तो मशरूम में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो हमने टॉपिक लिया था कि 100 बैग में और 1000 बैग में कितना खर्चा और प्रॉफिट होगा वो एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसकी जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।